सबसे पहले तो हिंदू जनजागृति समिति, सनातन संस्था और परात्पर गुरु श्री आठवाले जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो यहाँ हमें आमंत्रित करते हैं और ये अवसर देते हैं कि हम आपके साथ यहाँ पर कुछ समय बिता सकें और अपनी बातें रख सकें। उसके लिए आप सभी को हृदय से नमन है। सामने उपस्थित संत, मेरे धर्म बंधु और मंच परासीन स्वामी जी, नागेश्वर राव जी और एस्थर जी, आप सभी को प्रणाम। पिछली बार जब हम इस अधिवेशन में थे, उस समय मैंने एक बात की थी कि जो मुस्लिम समाज है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम छोड़ना चाहते हैं और हमें उनकी सहायता करने की आवश्यकता है। तो जो हम आज घर वापसी के विषय की बात करें, मैं वहीं से उसे आगे लेके चलता हूँ। उस दिन से आज तक अगर हम ये जो कुछ वर्ष बीते हैं उसमें देखते हैं, तो अभी तक हमारे देश में बहुत सारे आपको एक्स मुस्लिम देखने को मिल रहे हैं जो उस समय नहीं होते थे। और अगर ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट को अगर आप ट्रैक करना शुरू करेंगे, तो शुरू में बड़े टेंटेटिव थे, थोड़े दबे रहते थे, छिपे रहते थे, चेहरा नहीं दिखाते थे। लेकिन आज आपको ऐसे बहुत सारे चेहरे दिखते हैं। उदाहरण के तौर पर अल्मोसो फ्री, जिनका नाम था अली मोहम्मद सोडावाला, आज वो अपने आप को नचिकेता कहते हैं। साहिल हैं, समीर हैं, शरीफ हैं, इस तरह के बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब हम घर वापसी की दशा और दिशा देखने लगते हैं, उस समय हमें ध्यान में रखना है कि ये वाला जो सेक्शन है मुसलमान समाज का, जो जिसने अपना विवेक नहीं छोड़ा है, क्योंकि मुसलमान समाज में एक तो उनके दुकानदार हैं जो अपना व्यवसाय चलाते हैं इस्लाम के नाम पर, उनका धंधा चलता है कि अगर उनके सामने सारा समाज भेड़ बकरियों की तरह रहेगा, उनको किधर भी हांक के ले जाया जा सकता है। और वो हम पिछले शायद 10 दिनों से देख भी रहे हैं। टीवी चैनल्स पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह के नारे लग रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही हैं। तो उनको भेड़ बकरी बना के रख के चलाना, वो इन दुकानदारों के लिए बहुत सूट करता है, उनको बहुत, उनके नैरेटिव को उनके लिए एक उपयुक्त स्थिति है वो बिल्कुल। दूसरा वो वाला वर्ग है जो जिसने अभी अपना दिमाग इन लोगों के पास गिरवी नहीं रखा है, वो अपने आप से सोचते हैं। और ये वो वर्ग है जो जिसमें अभी हम कहते हैं कि मानवता, संवेदनशीलता बची हुई है। और इसका अभी परसों जो मैं लेटेस्ट एग्जांपल देख रहा था, एक यंग, बिल्कुल युवा बच्चा है मुंबई का, अशफाक अंसारी साद, उसने नुपुर शर्मा के फेवर में बात की। अब इसमें आप आयरनी देखिए कि बड़े बड़े नेता हैं जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, कहते थे, संस्थाएं हैं, जिन्होंने उस लड़की से, उस महिला से हाथ खींच लिए, पूरी निर्लज्जता से खींचे, हम सब देख रहे हैं। और यहाँ एक बच्चा है जो मुस्लिम बहुल इलाके में रहता है और वो पूरी निडरता के साथ अपनी बात रखता है। और फिर जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि आसपास, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका, उसे घेर लिया और उसे ज़बरदस्ती शहादा बुलवाते हैं और फिर पुलिस आके उसको अरेस्ट करके ले जाती है। तो ये सारा हमें बताता है कि हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं। और अभी जो ये घर वापसी की शुद्धिकरण की हम बात करते हैं, वो सफलता की ओर बढ़ रही है। ये हमारे लिए कुछ सफलता के कुछ हमें वो एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं, उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी ये आरंभ किया हमने, इसे बहुत आगे लेके जाने की आवश्यकता है। और अभी जो एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं वो क्या हैं कि जैसे ही नुपुर शर्मा के साथ ये जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया गया, उसके चलते जो दुकानदार हैं अब वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्स मुस्लिम्स साहस करके सामने आ रहे थे, एक मैं नाम जो भूल गया, इमरोज़ आलम, अब वो इनको दबाव में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अगर हम राजनीति शास्त्र या जिसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं उसकी भाषा में समझने लगें,
तो एक कॉन्सेप्ट आते जिसे एवर्टन विंडो बोलते हैं। एवर्टन विंडो है कि एक छोटा सा एक खिड़की है कि उसके अंदर अंदर जो विचार हैं वो सोशली एक्सेप्टेबल है, उन्हें माना जाता है और उनके अनुसार पॉलिसी भी बनाई जाती है, और जिन्हें नहीं माना जाना उनको बाहर रखने का प्रयास किया जाता है। अगर आप पिछले 100 वर्षों का अपना इतिहास देखें या थोड़ा और पीछे चले जाएं, 50 वर्ष पीछे जाएंगे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस समय सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो वो एक क्रांति थी। वो कि तब तक हमारे जो पूर्वज थे वो दोनों प्रकार के मलेच्छों से, वो मिडल ईस्ट से आए थे उनसे भी और जो यूरोप से आए थे उनसे भी, उनसे लड़ रहे थे और लड़ने के लिए उन्होंने शस्त्रों का उपयोग किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार इसमें शास्त्र का उपयोग किया कि समझ तो लें कि कौन सी विचारधारा है जो इनको ये करने पर बाध्य करती है कि ये लड़ते भी हैं और महिलाओं के साथ यौनाचार, दुराचार, हर प्रकार की नीचता करते हैं और फिर इनको शर्म भी नहीं आती, तो ऐसी कैसी विचारधारा हो सकती है। तो उन्होंने पढ़ के 13वां-14वां समुल्लास लिखा, और जो हमारे देश की परंपरा, जैसे अभी एस्थर जी ने भी बोला, कामाक्षी जी ने बोला कि हम पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों की बात करते हैं, सिद्धांत पक्ष की भी बात करते हैं, तो स्वामी दयानंद ने उसको प्रतिष्ठापित किया अपनी पुस्तक से, और उन्होंने आर्य समाज बनाया, फिर शुद्धिकरण हुआ, घर वापसी ये चलनी शुरू हो गई। लेकिन फिर उसके बाद 1914-15 में मोहनदास गांधी आते हैं और वो एक जगे हुए समाज को सुलाने का काम करना शुरू करते हैं, और उसके लिए जो उन्होंने टेक्निक यूज़ की वो बड़ी ही सिंपल थी। एक कॉन्सेप्ट आता है पीपल लाइक अस, कि सब हमारे जैसे हैं, क्योंकि हमारा एक अपना परिवेश होता है और हम सभी को अपने जैसा समझने का प्रयास करते हैं कि यदि हमारे ग्रंथों में अहिंसा परमो धर्म कहा है, यदि हमारे ग्रंथों में ये कहा है कि जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो उनके साथ मत करो, किसी और के साथ मत करो, यदि हमारे ग्रंथ आत्म उन्नति की बात करते हैं, यदि हमारे ग्रंथ अध्यात्म की बात करते हैं, यदि हमारे ग्रंथ अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, तो उनके ग्रंथ भी यही बात करते होंगे। इस मानव की जो दुर्बलता है उसका उपयोग गांधी ने, इसका उपयोग बखूबी किया, और उन्होंने 3-4 जुमले हमारे समाज को दिए, सर्वधर्म संभाव, ऑल रिलीजन्स आर सेम, मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। इन्होंने वो जो स्वामी दयानंद ने शुरू किया था उससे बिल्कुल ठीक विपरीत धारा बहानी शुरू कर दी, और ये अंग्रेज़ों को भी सूट करता था क्योंकि एक सुस्त सोया हुआ कायर समाज जो पिटिशन डाल सकता है, जो सामने जाके सिर्फ खड़ा हो सकता है, वो कभी भी किसी क्रूर शासक को, क्रूर क्या, किसी भी अच्छा सोचने वाले शासक को कभी हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। तो ये नौटंकी चलती रही हमारे देश में, और उसके साथ साथ ये सारे जो विचार थे ये उस एवर्टन विंडो में आ गए जिसकी मैं बात करूं कि इन्हें एक्सेप्टेबल माना गया, और जो वास्तव में धर्म की बात करेगा उसको लेबल लगाया गया कि ये कम्यूनल है। फिर उसके बाद उसमें भी इन्होंने एडिशन शुरू किए, उसके बाद एक शब्द संघी आया, उसके बाद फिर एक शब्द भक्त आया, तो ये शब्द वही हैं जो एक तरह से एवर्टन विंडो को डिसाइड करते हैं कि इससे जो बाहर है, जो कह रहा है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, वो एक्सट्रीमिस्ट होगा, वो फ्रिंज एलिमेंट हो जाएगा। और ये जो स्ट्रगल है ये निरंतर चलती रहती है। 2014 के बाद, उससे पहले ये सारा प्रोसेस चल रहा था, 2014 से क्या हुआ, लोगों को अब ये लगने लगा कि अगर हम जो हमारे धर्म बोलता है उसकी बात कर सकते हैं, और 2014 में केवल पॉलिटिशियंस के कारण, पॉलिटिक्स के कारण नहीं कह रहा हूँ, लगभग इसके साथ साथ ही जो सोशल मीडिया वो भी प्रभावी होना शुरू हुआ, लगभग इसके साथ साथ, थोड़ा सा पहले हो गया था, तो इसने एक आम सनातन धर्मी को, एक आर्य को, एक हिंदू को एक सशक्त करने का काम किया कि अभी तक जो आपको वन साइडेड केवल सुनना पड़ता था, वो आएगा बोलेगा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, आपको पसंद या नहीं पसंद आप कसमसा के रह जाएंगे लेकिन आप उसको प्रत्युत्तर नहीं दे सकते, लेकिन सोशल मीडिया ने वो गेम बदल दी, अब हम प्रत्युत्तर दे सकते हैं और देना शुरू कर दिया है।
उसका परिणाम ये हो रहा था कि ये जो इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस, ये इस तरह के जो झूठ थे वो सारे के सारे एवर्टन विंडो में से बाहर निकलने शुरू हो गए, और जो सनातन धर्म की सच्चाई थी वो वहाँ आनी आरंभ हो गई थी। अब ये जो 7-8 वर्ष निकल के गए हैं, आप इसे 10 वर्ष भी मान सकते हैं, सोशल मीडिया वाले नुपुर शर्मा के केस से वो इस सारे प्रोसेस को, सारी प्रक्रिया को वापस धकेलने का प्रयास कर रहे हैं कि हम गुंडे हैं, हम गुंडागर्दी करेंगे, और क्योंकि तुम्हारे सत्ताधीश गुंडागर्दी से डर चुके हैं इसलिए तुम्हें भी हमसे डरना पड़ेगा। ये हुआ है दुर्भाग्य से। और जो जो यहाँ पर संघर्ष है वो वही है कि किस चीज़ को एडमिटेबल माना जाएगा, एडमिसिबल माना जाएगा, किसे मेन स्ट्रीम माना जाएगा, वो एवर्टन विंडो के अंदर आएगा। और जितना ये आप जितनी छीना झपटी देख रहे हैं वो इसीलिए हो रही है कि हमने जो मुल्ला मौलवी नेक्सस था उनके नैरेटिव को तोड़ना शुरू कर दिया, लगभग तोड़ दिया, लगभग ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब वो हाथ पे हाथ रखे तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि ये देव असुर संग्राम तो निरंतर चलता आ रहा है, तो वो उनकी ओर से पुशबैक आ रहा है। तो इसे हमें इसी स्तर पे समझ के ये प्रयास निरंतर करने पड़ेंगे ताकि जो लोग, हाँ इसमें जब मैंने एक्स मुस्लिम्स के नाम लिए तो इसमें महिलाएं भी हैं, परवीन पूजा उपाध्याय हैं, कालीदासी हैं, फौजिया रॉफ जो है वो सरस्वती दासी बन जाती है। तो ये वो नाम हैं जो हमें बताते हैं कि यदि आप सच को निरंतरता से बोलते हैं तो समाज कोई भी हो, वो बच्चे ने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया हो तो भी वो सत्य को ग्रहण कर सकता है। और यही हमारी जो परंपरा है वो ऐसे ही चलती है, केवल ऐसे नहीं चलती, वो सड़क पे भी चलेगी, जिनको बाहुबल से हराना है वो भी काम चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर केवल नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। अभी इसी का जो अभी तक का पक्ष रहा, जो आपको ध्यान होगा बॉलीवुड में फिल्में आया करती थी जिसमें रंगदारी दिया करते थे कि गुंडा होता था उसका एक साम्राज्य होता था, वो एक घातक फिल्म आई थी जिसमें जो विलेन होता है वो बोलता है कि उम्र बीत जाती है दहशत जमाने में और तूने एक बार में आके वो दहशत ख़त्म कर दी। तो ये जो कामी वामी इस्लामी ये जो नैरेटिव चल रहा था हमारे देश में वो उसी दहशत पे टिका हुआ था, और उसी दहशत का परिणाम था कि हम अपने जो बिल्कुल न्यायोचित मांगे थी उन्हें भी मनवाने के लिए मनुहार करते थे, गुहार लगाते थे, कोई सुनने वाला नहीं होता था। वो भले ही राम मंदिर का मामला हो, अब जैसे लोग उठ के केस कर रहे हैं, ज्ञानवापी में केस किया, हरिशंकर जैन जी बैठे हैं, तो ये जो काम किए जा रहे हैं वो हमें क्या बताते हैं कि यदि हम ये जो हमने एक तरह से प्रेशर क्रिएट कर दिया पिछले 10-12 वर्ष से, इसे यदि निरंतर चलाए रखेंगे तो घर वापसी वाली मुहिम और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और जो मैंने नाम आपसे अभी बताए हैं ये केवल एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ। हर रोज़ बहुत से लोग संपर्क करते हैं कि नीरज जी हमारा दम घुटता है इसमें, हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हमारी कुछ व्यवस्थाएँ हैं हम नहीं छोड़ पाते। ये वो हैं जो मस्जिदों के मौलाना हैं, मौलवी हैं, वो ये बात करते हैं। अब इसमें अभी जैसे एस्थर जी बोल रही थी कि अलग अलग लेवल पे काम होते हैं, कुछ काम हैं जो स्टेट को करने चाहिए, जो सत्ताधीश है, जो राष्ट्र है, जो न्याय व्यवस्था है, उसका सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहला दायित्व होता है कि जो रूल ऑफ लॉ है उसे इम्प्लीमेंट करे। पर दुर्भाग्य से वो उतना प्रभावी नहीं है अभी तक। परिणामतः जो गुंडे बदमाश हैं, जो कहते हैं कि हम तुम्हें इस्लाम नहीं छोड़ने देंगे या ईसाइयत नहीं छोड़ने देंगे, वो अभी प्रभावी हैं उसमें। तो सत्ता कमज़ोर है, वो काम नहीं कर रही, इसलिए अभी हम उस लेवल को यदि छोड़ के व्यक्तिगत लेवल पे या संस्थागत स्तर पे बात करते हैं तो वहाँ पर हमें इस कार्य को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसमें सबसे बड़ा जो हमारे लिए बल है वो है सत्य का। उन्होंने जो आज तक किया, जी ये जो मैंने दहशत का एग्जांपल दिया आपको, वो उनको दहशत का उपयोग क्यों करना पड़ा, क्योंकि वो झूठ को खड़ा करना चाहते हैं,
सत्ता साथ देती है नहीं देती, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। केवल थोड़ी सी कन्विक्शन, थोड़ा सा यदि हम ये समझ जाते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर हैं, हम सच की बात कर रहे हैं, तो उससे अपने आप ही इतनी शक्ति मिल जाती है कि ये काम निरंतरता से किया जा सकता है और उसके परिणाम हम सब देख रहे हैं, हमें आने शुरू हो गए हैं। सामने कामाक्षी जी बैठी हैं जो घर वापसी का एक उदाहरण है। अगर आप पूरे विश्व में देखना शुरू करेंगे, अयान हिरसी अली आपको दिखेंगी, वफा सुल्तान दिखती हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के उस ऑपरेसिव, एक तरह से दमनकारी नीतियों का, केवल नीति भी नहीं कहना चाहिए, दमनकारी गुंडागर्दी के सामने खड़ी हो गई है। तो हमें इनका साथ देने की आवश्यकता है, ईसाइत में भी इस्लाम में भी। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक और जो घर वापसी हमें करानी है वो उनकी करानी है जिनके नाम तो हिंदुओं वाले हैं लेकिन उनमें वो हिंदू निष्ठा नहीं है, सनातन निष्ठा नहीं है। अपने ही लोग हैं जो दुश्मन के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, तो उन्हें वापस लाने की आवश्यकता है हमें। और मैं जनरली इसमें एक बड़ा सिंपल, बड़ा ही साधारण सा प्रश्न पूछा करता हूँ, जब कोई सामने से कुतर्क देते हैं तो उन्हें कहता हूँ, शाम को किसी भी देवालय, किसी भी मंदिर के सामने जाके खड़े हो जाना जब आरती हो रही हो, और सुनना वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों की बात कर रहे हैं, वो केवल हिंदुओं की बात नहीं कर रहे, वो केवल जाति विशेष की बात नहीं कर रहे, वो केवल मानवता की बात भी नहीं कर रहे, वो प्राणियों की बात कर रहे हैं। ऐसी उदार विचारधारा कहीं मिलेगी? और जब वो कह रहे हैं विश्व का कल्याण हो, तो उसमें स्थावर जंगम सब आ जाते हैं। फिर जब आपने एक बार ये संदेश सुन लिया, इसके बाद आप किसी मस्जिद के बाहर जाके खड़े हो जाएं, वो बाहर भी नहीं जाना, अपने घर में बैठे होंगे, तो भी वो भोंपू से आपको 5 बार सुनाएंगे, और सुनाएंगे क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती। तो शुरू ही नेगेटिविटी से होता है, शुरू ही घृणा से होता है। हम अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए कैसा संसार, कैसा भविष्य चाहते हैं जो विश्व के कल्याण की कामना करता है, प्राणियों में सद्भावना की कामना करता है, या ला इलाहा की कामना करता है? तो स्वयं उत्तर मिल जाता है। बस हमें इसे निरंतरता से करने की आवश्यकता है। जो दशा है घर वापसी की, वो अभी शैशव काल में है, उसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। दिशा एकदम उपयुक्त है, उसे उसी दिशा में हमें आगे धकेलना है, तो हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर भविष्य दे के जाएंगे। और यही हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म बनता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। जयतु हिंदु राष्ट्रम। जयतु हिंदु राष्ट्रम।